आप में से बहुत सारे भाई लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या भैया नीट के एग्जाम के लिए PYQs इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मेरा आंसर आप सभी को सिर्फ यही रहेगा, भाई लोग जो PYQs हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। ये बात ना मुझे 2 ड्रॉप के बाद पता चली, क्योंकि मेरे कोचिंग वाले भी बोलते थे कि PYQs इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग मॉड्यूल करो, टेस्ट पर फोकस करो और दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। लेकिन PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज़ सब लोग इग्नोर मत करना यार, PYQs का एक अलग लेवल है। ओके, सेकंड चीज़ आप लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि भैया क्या तो फिर हम कितने इयर्स तक जो है वो अपने PYQs करें। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 15 इयर्स तक, ठीक है, 15 साल तक जितने भी आपके PYQs हैं वो आप सारे PYQs कवर कर लो, ठीक है। और PYQs ऐसे नहीं करने कि आपने एक बार PYQs किए और आपका हो गया। ओके, आप 2 से 3 बार अच्छे से PYQs करो, क्योंकि इस टाइम पर ना अगर आप मॉड्यूल लेके बैठोगे, कोई अलग अलग कोचिंग का मॉड्यूल लेके बैठोगे तो वो नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है?